स्वागत है अपने YouTube चैनल जी स्लैम एजुकेशन में। तो देखो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि एक तरीके से एक बेहतरीन जो यूपीएससी से रिलेटेड हो गया, या अगर हम लोग कह सकते कोई भी पीएससी से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे चला, उस टेस्ट सीरीज के साथ हम लोगों ने एक चीज और अटेंड किया, करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर मैंने इसलिए अटेंड किया क्योंकि आपको पता है टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बैकएंड में आपको ये पता चाहिए कि इसका क्या हिस्ट्री है या क्यों करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है। उस करंट अफेयर में कि हमको क्या है, पूरा हिस्ट्री के साथ हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अगर कोई भी हमने क्वेश्चन देखा उस चीज से रिलेटेड, हम बैकएंड में ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है या इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या करंट चल रहा है। तो उस सभी चीज को मैंने यहाँ पे एक तरीके से इनिशिएट करने की कोशिश की है। और मोस्टली ये क्या है, पीआईबी से रिलेटेड है और द हिंदू में जो लेटेस्ट जो भी चीज अपने पास, जो भी टॉपिक आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पीक पे चल रहा है, उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना ये भी जो सीरीज चल रहा है, इसका ये अभी जो दसवां जो टेस्ट सीरीज है उसका ये तीसरा खत्म होकर चौथा ये चीज स्टार्ट, चौथा जो पार्ट है ये स्टार्ट। देखो, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया किसी चीज से रिलेटेड स्टेटमेंट है। देखो, स्टेटमेंट बोला गया रिगार्डिंग किसके, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के रिलेटेड अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो कोकोनट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसाइड किया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्होंने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज डिसाइड किया था, इन्होंने क्या किया था, एक अमेंड किया था कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के, कब किया था, डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ एक्ट, सॉरी 1979 के तहत की ये बात की जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से इन्होंने डिसाइड किया था इस चीज से रिलेटेड। तो इसमें ये बोला गया था इन्होंने क्या किया था, तो एक पोस्ट किया था, पोस्ट ऑफ चेयरमैन, ठीक है, फर्स्ट, जैसे अगर बोले पोस्ट ऑफ चेयरमैन, ठीक है, एज एन नॉन एग्जीक्यूटिव, ये एक तरीके से यहाँ पे पार्ट रहेगा जो क्या रहेगा, बूस्ट करेगा किस चीज से रिलेटेड, प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड बात करेगा या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पे बात करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इन्होंने कि एक तरीके से क्या चेयरमैन जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ एक्ट 1979 के तहत जो इन्होंने बात किया था, उसमें इन्होंने ये बोला था कि एक तरीके से एक चेयरमैन एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रहेगा जो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी की यहाँ पे बात करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक, बोला कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया अगर बोला जाए तो ये कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया एक तरीके से क्या नहीं, स्टैचुरी बॉडी, बिल्कुल सही है, एस्टेब्लिशमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो फंक्शन अगर आपसे पूछ ले कि चलो ये 1979 में तो आया था, लेकिन ये एग्जिस्टेंस जो फंक्शन करना कब स्टार्ट किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए 1981 से ये फंक्शन करना स्टार्ट किया था। तो पहला यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, ठीक है, किसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये चीज आपको पता होना चाहिए जो ये कंट्रोल करते हैं। दूसरा बोल रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कोच्चि में, वन मिनट, कोच्चि केरला में, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले तो ये क्या ना, ये पता होना चाहिए। दूसरा गलत है, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मैं बस आपको 1, 2, 3 स्टेटमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, लेकिन आज के समय में देखना कि स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, स्टेटमेंट खत्म करके पेयर वाइज क्वेश्चन देना स्टार्ट किया, जो कि मैंने पिछले पार्ट में भी आपको मैंने दिखाया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज आपको भी अच्छा लग रहा होगा, जिससे जिस अनुसार से वहाँ पे व्यू, जिस अनुसार से बातें चली, उस अनुसार से मुझे लग रहा है कि वो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पे चलते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये मतलब ये बोल सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे, लेकिन अगर रीजनल ऑफिस की अगर हम लोग बात करते हैं इसी में, ये पता होना चाहिए रीजनल ऑफिस बैंगलोर मतलब कर्नाटका में भी है, चेन्नई में भी है, गुवाहाटी असम में भी और पटना में भी, ये चार जगह पे। ठीक है, कहाँ पे है, बैंगलोर हो गया पहला, दूसरा हो गया चेन्नई, तीसरा गुवाहाटी, चौथा पटना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका रीजनल ऑफिस है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, इट्स मैंडेट इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द कोकोनट कल्टिवेशन एंड द इंडस्ट्री इन द कंट्री विथ फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन। देखो, जब ये बोर्ड बनाया गया था 1979 में, तो मैं थोड़ा सा इस पर आपको बता दूं, तो जब ये बोर्ड मतलब कौन सा बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1971, तो इसका मतलब एक तरीके से इंटीग्रेशन जो बात थी मैंने बताया था कि प्रोडक्टिविटी पे काम करेगा, अभी मैंने ऊपर भी ये चीज बताया था, ये इसका यही था कि इंटीग्रेशन किस चीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द, किसके डेवलपमेंट ऑफ द कोकोनट जो कल्टिवेशन है, या कल्टिवेशन की बात करें या इसका इंडस्ट्री की बात करें, ये दो चीज यहाँ पे बात किया जा रहा है हमारे कंट्री में, इसका फोकस ही यही था, फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग एंड द प्रोडक्शन बाय डाइवर्सिफिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये थोड़ा सा मैंने कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में यहाँ पे क्लियर किया। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है क्या, जो जो स्टेटमेंट दिया गया रिगार्डिंग द सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द प्लास्टिक,
देखो, मैंने इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपको दिया था उसमें मैंने एक चीज आपको वहां पर क्लियर किया था, क्या जो आपको वहां पर मैंने प्लास्टिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था कि प्लास्टिक अपने भारत में क्या बैन हुआ या कब क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज मैंने वहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया था। अभी देखो, मैं इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक आया था, अभी मेल आया, तो उसने बोला कि सर आप मतलब एक क्वेश्चन को या एक क्वेश्चन को ना थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा फुल ऑन एक्सप्लेनेशन दे देते हो। तो देखो, मेरा मकसद ही यही था क्योंकि देखो आप क्वेश्चन कहीं पे क्वेश्चन इन द सेंस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मान लो कि मेरे से जितना बन पड़ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है कि वो आपको भी पता होना चाहिए। कोचिंग भी आप जाते हो, बहुत ऐसे मतलब रेपुटेड कोचिंग वहां भी आप जाते हो, तो वहां पे देखो दिखाते कुछ और होता कुछ है, इसलिए मैंने ये कोशिश किया था। बट अब मैं टू द पॉइंट की यहाँ पे सिर्फ बात करूंगा, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसमें छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता उसको मैं थोड़ा शॉर्ट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द प्लास्टिक, तो बोला इंडिया बिकम द थर्ड एशियन कंट्री टू डेवलप ए प्लास्टिक पैक फॉर बिल्डिंग ए सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द प्लास्टिक। तो देखो, इंडिया की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया यहाँ पे नहीं है थर्ड पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले गलत होगा, ठीक है। इंडिया एक थर्ड की बात करें, यहाँ पे इंडिया क्या है ना, फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर बोले तो इंडिया फर्स्ट है, तो अगर पूछा जाए तो इंडिया क्या है ना, फर्स्ट, दे बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डेवलप द प्लास्टिक पैक फॉर द बिल्डिंग सर्कुलेशन सिस्टम फॉर द प्लास्टिक। क्योंकि देखो, इनका विजन ही यही था, विजन ये, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि प्लास्टिक नेवर बिकम वेस्ट, इनका विजन ये था ना कि हमको क्या करना, प्लास्टिक को वेस्ट में नहीं रखना, ठीक है ना, उसको भी हम कहीं ना कहीं एक तरीके से कोई ना कोई रोड बनाने की या किसी भी चीज में उसको हम क्या करें, यूज करने का कोशिश करें, ठीक है। ये पैक्ट क्या ना, इंडिया के थ्रू। तो इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो कौन था यू, उसके बाद क्या, सॉरी इसके बाद क्या हो गया, यूके ने भी इस चीज को सोचा, साउथ अफ्रीका ने भी सोचा, ऑस्ट्रेलिया ने सोचा, और ये अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ने भी सोचा, यूके साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों भी। तो और अगर आपसे पूछा कि इंडिया का अगर पहले पहला जो फर्स्ट प्लास्टिक पैक्ट जो लॉन्च किया था यूके 2018 में, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये एशिया की मैंने बात की थी ना कि पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो एशिया में पहला है, लेकिन अगर हम बोल दें कि वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में हम लोग फोर्थ नंबर पे आई थिंक आते हैं, उससे पहले यूके है, फिर साउथ अफ्रीका भी है, नहीं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, हाँ ये तीन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एशिया में फर्स्ट है हम लोग। तो पहला अगर पूछे फर्स्ट प्लास्टिक पैक्ट किसने बनाया, तो यूके ने बनाया था, कब, 2018 में। नेक्स्ट बोला सर्कुलेशन इकोनॉमी इज ए मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच इन्वॉल्व द शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्निशिंग एंड द रिसाइकलिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज ए पॉसिबल। देखो, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही, सर्कुलेशन इकोनॉमी इसी को कहा जाता है कि ये जो मॉडल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है, जो कि मतलब हर एक चीज में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, रिपेयर भी कर सकते हैं उसको, पॉसिबल, जो एक तरीके से क्या है, एक वे ऑफ लाइफ ऑफ जो प्रोडक्ट का, अगर मान लो हम यहाँ पे ये पिक करते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट साइकिल का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, रिफर्निश भी कर सकते हैं, साइकिल भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब था कि हमको इसको जो उसका वेस्ट मटेरियल, उसको मिनिमम टू मिनिमम हमको रखना, ठीक है ना, रिड्यूस करना वेस्ट मटेरियल, सीधा सा मतलब है कि जो उसका वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हमको रिड्यूस करना, और एक जो मतलब प्रोडक्ट का कोई लाइफ साइकिल है तो उसको हमको उसको एंड तक पहुंचाने का यहाँ पे कोशिश करना, वो भी प्रोडक्टिविटी के साथ, हमको क्या है ना, बार बार उसको यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। इसी को सर्कुलर साइकिल, सर्कुलर इकोनॉमी बोला जाता है। थर्ड बोला गया कि द इंडिया प्लास्टिक पैक्ट वाज लॉन्च एज ए कोलैबोरेशन बिटवीन द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचुरल इंडिया एंड द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। तो देखो, थर्ड में अगर आपसे पूछे तो ये भी बिल्कुल सही है, बस पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा जहां भी आंसर देख लो, तो ये जो इंडिया इंडिया पैक्ट, जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट जो लॉन्च किया, तो उसमें कोलैबोरेशन यही सही था, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड का भी है एंड द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री, जो मतलब एक तरह इंडियन इंडस्ट्री, उनका भी ये चीज है। तो यहाँ पे क्या ना, बहुत बड़े जैसे मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन की मदद से हम लोग ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, इसी चीज के रिलेटेड यहाँ पे बोला गया था। अगर इसको और भी, अगर आपको प्लास्टिक से रिलेटेड एक मैंने टॉपिक लिया हुआ है, आप मेरे मतलब कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाओगे या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तो मैंने वहाँ पे पूरा एक लिंक दिया हुआ, टॉपिक वाइज पूरा आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ, आप वहाँ पे देखना, प्लास्टिक से रिलेटेड मैंने एक पूरा एक ओवरव्यू वहाँ पे दिया, एक टॉपिक मैंने मतलब हाफ एन आवर के कवर किया, तो प्लीज आप उसको जाके एक बार देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको और जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे किस तरह क्लियर हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सबको पता क्या होता है, चलो हाँ ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, चलो ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय रिन्यूएबल एनर्जी, सबको पता क्या होता है।
तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी अगर पहला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एज पर अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव 60% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज बाय 2030। ये कतई पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि ये देखो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यार, अब ऐसे मैं जल्दी जल्दी नहीं कुछ बता सकता। चलो COP26 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। देखो COP26 का जब ये कोई अगर पूछ ले कॉप का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है ना। अभी 28 होने वाला है लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो उसमें जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो UNFCCC बोलते हैं, UNFCCC, तो यूनाइटेड नेशन उसका फुल फॉर्म हो गया UNFCCC। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, ग्लासगो में। ये कहाँ पे है, यूके में। इतना तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे इन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से क्लाइमेट से रिलेटेड इन लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो जो उसमें क्लाइमेट से रिलेटेड बात किया था, सभी ने अपना अपना वहां पे योगदान दिया था। किसी ने बोला था हम 2070 तक मतलब एक तरीके से होता है ना इमिशन की बात की थी कि हम लोग जीरो कर देंगे, नेट इमिशन जो नेट जीरो कहते हैं। तो वो किसी ने बोला कार्बन एमिशन की बात, वो किसी ने 2060 बोला था। तो ये आपको इंडिया ने क्या बोला था, 2070 तक इसने बोला था हम कम कर देंगे। और इन्होंने ये बोला था कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या करेंगे, 45% तक जो इमिशन होता है ना उसको हम लोग रिड्यूस करने का काम करेंगे। किसके लेवल में, उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया था 2005 के रेफरेंस में, उन्होंने एक दिया था जो 2030 तक वो 45% तक कम करने का कोशिश करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम 60% करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो गया, ये रिड्यूस करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है क्या, सस्टेनेबल इंक्रीजेस इन द शेयरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स इज ए ग्रेट मिक्स इज ए टारगेट सेट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। तो देखो पहली बात तो ये आपको गलत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, 5 आपको किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको है ये आपको बताना है कि 5 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किस चीज से रिलेटेड बात, इसका आंसर बताना है कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में क्या है, ठीक है। चलो 5 में मैं चलो टोटल मैं ही बता देता हूँ। चलो 5 में यहाँ पे है ना जेंडर इक्वलिटी की बात किया जाता है, ठीक है। किस चीज़ की बात की जाती है, जेंडर इक्वलिटी की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर 7 में यहाँ बोला गया क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 में बोला गया अफोर्डेबल एंड क्या है, यहाँ पे नाम अगर पूछे तो क्या बोला जाएगा, अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी, ठीक है, ये 7th में। तो देखो क्लीन एनर्जी यहाँ पे ऐसे में इसलिए बोला क्योंकि ये बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी में ना ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा चलो ये बता दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 3 में क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर 3 की हम बात करें तो हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। नेक्स्ट अगर हमसे कोई पूछ ले कि 4th में क्या है, तो हम आपको बता दें एजुकेशन की बात की जाती है यहाँ पे, 4th में बोला जाए तो एजुकेशन की बात की जाती है। तो ये सारा का सारा चीज आपको क्या ना पता होना चाहिए। मैं इसलिए ये चीज आपको बता रहा हूँ कि पेपर में जब कभी कभी क्या होता है मैच करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको ये समझ रहेगा तो आप इस चीज का जल्द से जल्द आंसर दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ अपने पास अब क्या था, इसी का सेकेंड तो आपको पता चल गया। थर्ड में अब हम लोग चलते, देखो थर्ड में यहाँ बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट मार्केट अपडेटेड रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केटेड अपडेटेड रिपोर्ट, ठीक है। ये भी यार बहुत ही अच्छा है, हाँ मार्केटेड अपडेटेड रिपोर्ट जो अगर बोला जाए, ये डेट तो चलो छोड़ दो, कौन पब्लिश करता है ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत आंसर तो आपको दूसरा तीसरा मिल गया। तो बोला जाए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ये बिल्कुल सही है। देखो ये क्या करता है, फोरकास्ट करता है, इन्होंने फोरकास्ट किया था कि जो न्यू ग्लोबल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी जो किसके लिए एडिशनल लगेगा कितना, 2021 या 2022 या 2023, उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसे मतलब एक तरीके से होता है ना कि इंसान एस्टिमेट लगाता है कि कितना यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पे ये बात किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट जो अपडेटेड रिपोर्ट 2021 या कोई भी 22 का या 23 का भी आएगा तो कौन पब्लिश करता है, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है वो पब्लिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है वो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, कुछ ऐसा लगे तो। क्वेश्चन यहाँ पे है क्या ना वेस्ट टू द एक तरीके से स्टेटमेंट ही यहाँ बोला क्या जा रहा है, वेस्ट टू द एनर्जी एनर्जी ट्रीटमेंट, ठीक है। वन मिनट, बोला जा रहा है किसके रिलेटेड, वेस्ट टू द एनर्जी ट्रीटमेंट। यहाँ पे जो बात भी किया जा रहा है किस चीज से रिलेटेड, एनर्जी ट्रीटमेंट। बोला जाए पायरोलाइसिस, इसमें कुछ प्रोसेस दिया, जैसे पायरोलाइसिस एक तरीके से बोला इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एट द एलिवेटेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है।
देखो एक तरीके से मैं आपको ये बता देता हूँ, पायरोलिसिस एक तरीके से प्रोसेस है, तो केमिकली यहाँ पे क्या होता है ना, 1 मिनट ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, मैं कुछ ध्यान दे रहा हूँ। पायरोलिसिस एक तरीके से क्या होता है, केमिकली की यहाँ पे बात की जा रही है, एक तरीके से केमिकली डिकम्पोजिशन जो होता है ना, केमिकली हम लोग डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक केमिकली डिकम्पोजिंग, इसमें क्या होता है ना, एलिवेट जैसे टेम्परेचर वगैरह होता है, इन द एब्सेंस होता है ना कि प्रेजेंस, यहाँ पे क्या होगा ना, एब्सेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जैसे कि बोला जाता है 400 to 500 या 400 के आसपास जो टेम्परेचर होता है, और उसमें कुछ अंडर द प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से केमिकली कंपोजिशन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हीट, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है ना, ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है ना, वो हीट की वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो गलने सड़ने लगता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, धीरे धीरे एक स्मॉल ब्रेक डाउन होने लगता है, और जो इसमें कीड़े मकोड़े जो भी चीज होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्रेक होने लगता है, तो ये एक तरीके से क्या, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन में होगा तो वो और ज्यादा डिकम्पोज होगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, मतलब और महकने गलने लगता है, तो ये एक तरीके से पायरोलिसिस प्रोसेस होता है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो बोला जाए बोला टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द हीट स्ट्रीव ग्रू ग्रास सॉ मिलिंग रेसिड्यू एंड द वुड बायोमास टू द 250 डिग्री टू 350 डिग्री सेल्सियस इनटू द कोल एंड लाइक पेलेट। तो ये एक तरीके से टोरिफिकेशन होता है, एक तरीके से ये भी एक तरीके से एक नया टेक्नोलॉजी बोला जाता है, टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है ना कि जो 200 से 250 जो टेम्परेचर होता है ना, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जब उसको हीट करते हैं तो वो जो एलिमेंट होता है ना, वो एक तरीके से वो बायोमास में कन्वर्ट होता है, एलिमेंट ऑफ द बायोमास इनटू द कोल लाइक द पेलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है, तो ये मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन है, ये इंडस्ट्रियल ये यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक तरीके से एप्लीकेशन जो इंडस्ट्रियल लाइक जैसे सीमेंट हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, वहां पर स्टील प्रोडक्शन में इस चीज को क्या करता है, यूज किया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये सेकंड तो सही है, पहला गलत। तीसरा गैसिफिकेशन, एक तरीके से क्या है, थर्मल कन्वेंशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय पार्शियली ऑक्सीडाइजेशन इनटू द गैसियस प्रोडक्ट कॉल्ड द सिन गैसेस। थर्ड भी सही है, गैसिफिकेशन एक तरीके से ये, इसका काम क्या होता है, देखो ये एक तरीके से गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जो कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इनटू द सिन गैसेस, कुछ अंडर द क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर बोला जाता है, और हाई जो स्पेसिफिक मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड कंट्रोल जो ऑक्सीजन होता है, कंट्रोल ऑक्सीजन की मदद से ये बात किया जा रहा है, ठीक है, जो कि एक तरीके से ये क्या होता है, ये गैसिफिकेशन का ये एक तरीके से कह सकते हैं, गैसिफिकेशन इसी को कहा जाता है, कि मतलब एक तरीके से थर्मल कन्वर्ट जो ऑर्गेनिक मैटर का जो होता है ना वो कंपाउंड कोज, उसको क्या करता है, इनटू द सिन गैसेस कुछ उसमें स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल पर। उसके बाद क्या होता है, जैसे सिन गैस होता है ना, जैसे सिन गैस क्या होता है, फर्दर क्या होता है, आइदर हुआ तो या तो कंपोज किया जाता है किसी एनर्जी में, या उसको क्या किया जाता है, केमिकल फ्यूल के लिए उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है, आफ्टर दैट आफ्टर जब सिन गैसेस के बाद सिन गैसेस को या तो केमिकल एक तरीके से बोला जाए, या तो उसको ऑक्सीजन मतलब सॉरी एनर्जी के लिए यूज किया जाता है पहली चीज, दूसरी चीज उसमें या तो उसको केमिकली फ्यूल या वगैरह इस चीज से रिलेटेड यहाँ पे ये बात उस चीज के लिए यहाँ पे उसको यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपको पता है, जो पहला गलत, दूसरा और तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सैंड माइनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंड माइनिंग इन इंडिया। देखो सैंड माइनिंग इन इंडिया सबको पता क्या होता है, सैंड माइनिंग आज के समय में क्या होता है सबको पता है, किसी को बताने की कोई जरूरत है होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो मैं बता रहा हूँ, सैंड माइनिंग आपको पता क्या, तो पहला बोला सैंड इज द माइनर मिनरल्स एज डिफाइंड अंडर द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। तो देखो सबसे पहले तो ये आपको जो सैंड एक तरीके से चलो माइनर मिनरल है, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या बोला, इट इज अ माइनर मिनरल जो डिफाइन करता है क्या, एक आपको इसमें थोड़ा सा एक और पता होना चाहिए, जैसे मुझे ये पता रहता है तो मुझे मन करता है बता दो, अंडर द सेक्शन 1 मिनट अंडर द सेक्शन 3E, ये 3E के तहत जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना 1957 उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है, अगर आपसे इसी में बोला जाए सेक्शन 50 की अगर बात किया जाए, तो सेक्शन 50 में ये बोला जाए जो माइनर्स एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट है ना वो ये बोला इम्पावर करता है किसको, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, सेक्शन 50 के तहत ये इम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो क्या कर सकता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर सकता है, वो ग्रांट कर सकता है किसके लिए, मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मटेरियल, ठीक है ना, किसके लिए, माइनर मटेरियल जो कि वो आगे उसको फर्दर वो उसको प्रपोज कर सके, ठीक है,
तो उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है ना, माइनर है, तो ये वैसे गलत हो गया। दूसरा वाला जो MMD है, जिसको बोलते हैं मिनरल्स एंड द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1957 एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम रूल्स टू द प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। अभी मैंने बताया देता है ये चीज, अभी जस्ट मैंने बताया। तो ये अंडर 15 में तो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, लेकिन अंडर अगर 23A में चले, सेक्शन 23A या सी में है, सेक्शन 23C की अगर हम बात करें तो उसमें ये बोलता है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलीगल माइनिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द इलीगल माइनिंग या स्टोरेज ऑफ द मिनरल, इस चीज से रिलेटेड बात करता है। कौन इसको स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है, ठीक है, जो उस पर जस्टिफिकेशन वगैरह दे सके। नेक्स्ट दूसरा तो अगर सही है, पहला गलत हो गया तो देखो आपको आंसर पे चलना है, तो पहला ये गलत हो गया, दूसरा सही है। तीसरे पे द मिनरल्स और द वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रिजर्वेशन हैज इशू द सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 जो एड्रेस करेगा, विच एड्रेस द इशू रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ द सैंड माइनिंग। अब देखो एक चीज समझना है, यहाँ पे इतना बड़ा इसने आंसर दे दिया लेकिन यहाँ पे सभी के सभी गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक था कौन, मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, अगर हम बोल दें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये थे सिर्फ, इन्होंने एक तरीके से इशू किया था सस्टेनेबल, इसने सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2060 इन्होंने जो कि एक तरीके से ये एड्रेस कर सकते या इशू वगैरह जो सैंड माइनिंग से रिलेटेड है रिगार्डिंग द सैंड माइनिंग, उसके लिए सिर्फ ये एक मिनिस्ट्री था जो इन्होंने एक तरीके से ये इशू किया था। तो ये कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो तीसरा वैसे गलत हो गया, तो अब तो अपने पास आंसर आ ही गया, ये गलत ये गलत। फोर्थ भी सही है, फिर रैम्पेटिंग इलीगल एंड द सैंड माइनिंग हैज एग्जिबिटेड सॉइल इरोजन एंड द लीड टू द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द घड़ियाल इन द सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बोला सोन रिवर में, वही मध्य आप इसमें ये पूछ ले, जिसे सोन बोला गया तो सोन रिवर कहाँ पे है, 1 मिनट, अरे कहाँ गया था, हाँ अगर आपसे पूछ ले सोन रिवर कहाँ पे, तो ये कहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो उन पे ये क्या ना रैम्पेंट इलीगल एंड द सैंड माइनिंग की जो बात की, तो वो बोल इसलिए बोला, देखो उसमें क्या होता है, उसका मतलब क्या ना, वो क्या होता है, अनइवनली फ्लो करने लगता है। एक होता है ना कि हम लोग पानी को रेगुलेट नहीं, इसमें अनइवनली एक तरह फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द डैम एंड द इलीगल कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये एक तरीके से पानी का जो फ्लो में उस पर पैटर्न में भी चेंज आने लगता है। दूसरी चीज क्या होता है, सॉइल इरोजन तो होता ही होता है। तीसरी चीज क्या होता है, जो पॉपुलेशन, इसलिए किसी भी मतलब जैसे घड़ियाल वगैरह के क्यों डिक्लाइन कर लेते, क्योंकि वो उसको पानी में रहने की आदत है, धीरे धीरे उसको देखता क्या कि पानी की जो मतलब एक तरीके फ्लो क्या होता है, वो या तो अनइवनली मतलब एक तरीके से क्या है ना चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से उसको क्या है एक तरीके से प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये बोला भी जा रहा है, जब एक तरीके से सर्वे एक समय में सर्वे निकाला जाता है, तो ये बोला गया था, सर्वे जब निकाला गया तो बोला गया था कि जो नंबर ऑफ द घड़ियाल का जो जनसंख्या है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन, वो क्या डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे। मतलब अगर मान लो कैसे, मतलब 2021 की अगर हम बात करते, तो वो ये बोला एज कम्पेयर टू 2016 में क्या होता है, 20 जो है ना वो कम हो गया। पहले मतलब बोला जा रहा है 72 था, अब वो क्या हो गया सीधा, सॉरी पहले 2016 में 72 था और 2021 में कितना हो गया, 20 हो गया। तो मतलब एक तरीके से ये डिक्लाइन होता चला गया, इसका ये क्या ना, जो रैम्पेंट इलीगल एंड सैंड माइनिंग, उसका बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम फंक्शन, बहुत ही सिंपल है ये, तो कोई भी बता देगा, 1 मिनट। हाँ देखो इकोसिस्टम फंक्शन जो है इसलिए बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से कहना, ये सबको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे इसमें तीनों स्टेटमेंट ही पढ़ता हूँ, उसी से आपको समझ आ जाएगा। ये तीन स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ। पहला बोला कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम इन मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रेगुलेटिंग देयर ऑन स्पेसिफिक फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग इज नोन एज होमोस्टेटिस, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि होमोस्टेटिस क्या होता है, तो मैं आपको देखो ये बिल्कुल ऊपर में अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना मैं अपने लोकल लैंग्वेज थोड़ा आपको समझाऊं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक इकोसिस्टम अगर हमने बनाया, तो उसमें ये बोला जाए कि आपको क्या है ना, हर एक चीज को एक तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसका इक्विवेलेंट, जैसे मतलब कोई स्ट्रक्चर हो गया या कोई फंक्शन जो प्रोसेस होता है ना, उसको आपको क्या है ना, वो एक तरीके से मेंटेन रहता है। वो इसीलिए मेंटेन रहता है कि वहां के जो लोग हैं ना, वो ऑटोमेटिकली, जिसको हम लोग सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं ना, सेल्फ रेगुलेशन, जैसे आप अपने लोग अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या है अपने घर में रहते, तो इंसान को बोलना नहीं पड़ता कि आपका घर है, इंसान क्या करता है ऑटोमेटिकली उसको खुद ही मेंटेन करके रखता है। तो उसको होम अपना घर है, तो वैसे ही क्या होता है, जब उन लोग का भी घर होता है तो उन लोग भी क्या करते हैं, उसको सेल्फ रेगुलेट करते हैं।
सेल्फ रेगुलेट मतलब क्या होगा, जो इंटरनल जो मतलब वेरिएबल्स हो गए, जो उसकी नेसेसरी की चीजें हैं वहां पे, उन सभी चीज को वो क्या कहते हैं, एक तरीके से एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर में रखते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या इंटरनल एनवायरमेंट को, हम अगर हम ये बोले इंटरनल एनवायरमेंट को हम डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, ऐसा वो लोग नहीं करते। उसको पता है कि ये हमारा और हम ही को इसको सही से रखना है, ठीक है। तो ये होम स्टेटिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि हाइबरनेशन occurs in the animal living in the desert and the tropical region to protect themselves from the hot and the dry climate due to the scarcity of the food storage। देखो अभी हमने बताया, देखो इसमें क्या ना, अब थोड़ा सा और इसमें एक दो चीज बता दूं मैं, इसके बाद ये इसी के रिलेटेड। जैसे होमोस्टेटिक में क्या होता है, होमोस्टेटिक्स में क्या होता है आपको ये पता होना, होमोस्टेटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, वन मिनट, देखो होमोस्टेटिस में क्या होता है, एक तरीके से ये क्या था, कंट्रोल करके रखता है। जैसे मैंने जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर का ब्लड का जो सर्कुलेशन फ्लो होता है, या पीएच वैल्यू, जो ग्लूकोज जो मैं जैसे मतलब एक एक चीज, जैसे हर एक केमिकल से लेके हर एक फ्लूड बैलेंसिंग से लेके सोडियम, हर एक चीज को क्या करता है, कंसंट्रेटेड अमाउंट में क्या करता है वो, वहां पे उसको एक तरीके से कंट्रोल करने का वो काम करता है। क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट का जैसे इंपैक्ट पड़ेगा तो ये सारा का सारा क्या होगा, डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसी चीज के रिलेटेड बोला जा रहा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सही है तो ये गलत और ये गलत। तो हाइबरनेशन बोला जाता है, देखो हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से कंडीशन होता है, ठीक है, जिसमें एनिमल क्या करता है, एनिमल गो टू डोमिनेटेड ड्यूरिंग विंटर बाय लोअरिंग देयर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। यहाँ पे ये बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या होता है, जैसे ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं, एम्फीबियन हो गया या फिशेस वगैरह हो गया, ये अपने मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, एक तरीके से क्या होता है, लोअरिंग के देयर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, वो अपने एक्टिविटी वगैरह क्या करता है, थोड़ा कम कर लेता है। तो ये हाइबरनेशन होता है। इसका मतलब क्या होगा, वो इसलिए होता है क्योंकि देखो जब वो कम, इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है जैसे फूड शॉर्टेज का होता है, हाइबरनेशन में समय क्या होता है, ड्यूरिंग द हाइब्रिड अगर बोले तो हाइबरनेशन में क्या होता है, फूड शॉर्टेज का वहां पे उसको प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स वगैरह क्या होता है, लॉट्स ऑफ फूड एक तरीके से क्या होता है, खाने होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो चर्बी वगैरह क्या होता है वो मोटा हो जाता है। ये टेम्परेचर की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, यहाँ पे जो एनिमल वगैरह होता है वो क्या करता है, खा खा के एक तरीके से अपना स्किन वगैरह मोटा कर लेता है। क्योंकि इसीलिए कहता है क्योंकि उस समय उसको क्या होता है, वो जो सोते हैं या कुछ भी होता है ना, तो उसको जो एनर्जी है ना, उसको फैट से ही सप्लाई होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग हाइबरनेशन कहते थे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्योंकि वो ज्यादा सोएगा, जैसे उसको एनर्जी मिलता रहेगा उसको फैट वगैरह से, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सोएगा। तो जरूरी, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे ह्यूमन हाई और ड्राई की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, वो अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या करता है, वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसी को हाइबरनेशन कहते हैं। तीसरा बोला एसिटिवेशन एक कंडीशन है विच द एनिमल गो डोमिनेटेड ड्यूरिंग द विंटर बाय लोअरिंग देयर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया किसका है, ये हाइबरनेशन का होता है। अगर आप एसिटिवेशन बोले तो ये क्या होता है, एनिमल क्या होता है, ये डेजर्ट वगैरह में या ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है देमसेल को फ्रॉम द हॉट एंड द ड्राई क्लाइमेट ड्यूरिंग ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। जैसे आपको पता है रेप्टाइल हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ये सभी के सभी चीज क्या होता है, ये अर्थ मतलब एक तरीके से डेजर्ट वगैरह में अपने आपको सर्वाइव कर पाते। तो ये दोनों क्या ना अल्टरनेटिव है, इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, तो सही होगा। एंड आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये तो सबको पता क्या होता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं, पढ़ के भी समझ लेंगे। क्या होता है, कम्युनिटी आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाई ए डेफिनेट एरिया ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। देखो पॉपुलेशन एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पे एक में समझ रहा हूँ, पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं, क्या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सेम स्पीसीज कहता है ना, अगर ड्यूरिंग द डिफिनेशन डिफाइन ऑफ ए टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से ये चीज समझना, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, एक तरीके से बढ़ने लगता है। यहाँ पे बोला क्या गया, कम्युनिटी यहाँ पे बोला गया, लेकिन कम्युनिटी नहीं होता, कम्युनिटी तो एक ग्रुप होता है। यहाँ पे अगर बोला जाए तो पॉपुलेशन अगर लिखा रहता तो ये सही होता है हम लोग यहाँ पे, इसलिए मैंने पॉपुलेशन वहाँ पे नीचे लिखा है। पॉपुलेशन दे आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये चीज आपको समझ आना चाहिए पहली चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, ठीक है। दूसरा अगर बोला जा रहा है क्या, जो इन ऑर्डर टू सर्वाइव द इंडिविजुअल ऑफ एनी वन स्पीसीज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच दे एक्टिवली इंटरेक्ट इन सेवरल वे आर कॉल्ड द पॉपुलेशन। देखो ये गलत है, ये अभी मैंने पॉपुलेशन, इसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं।
पॉपुलेशन तो ऊपर वाला था, ये कम्युनिटी होता है कि अगर हम सरवाइव करते, किसी एक इंडिविजुअल होता है ना, किसी इंडिविजुअल ऑफ एक भी किसी वन स्पेसीज जो डिपेंड होता है किसी दूसरे इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज जो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वहां पे वो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों का दोनों ये गलत हो गया। तीसरा अगर बोला जाए तो तीसरा जैसे बोले तो क्या बोला जाएगा, ए बायोम इज ए लार्ज इकोलॉजिकल एरिया विथ विच द क्लाइमेटिक कंडीशन कैन हैव मल्टीपल इकोसिस्टम विद इन इट। बिल्कुल सही है, ये बायो में कितने लार्ज एरिया जो सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन की जो बात हम लोग करें, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन का, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। प्लांट एंड एनिमल्स दे आर, आपको पता कि प्लांट एंड एनिमल्स इन द बायोम दे आर द सिमिलर, कुछ ऐसे उसके भी क्राइटेरिया क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। इंडिविजुअल प्लांट जो हो गया या इंडिविजुअल जो एनिमल्स हो गया उसकी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं थी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक। अब हम लोग ना एक करंट अफेयर, करंट का कुछ टॉपिक है उसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर करते हैं। ये टॉपिक क्या है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक इस चीज से रिलेटेड किसे, सागर जो एक एक ये क्या है ना, सागर परिक्रमा, ठीक है, सागर परिक्रमा यात्रा, सागर परिक्रमा यात्रा जो है ना वो इसका फेज वाइज चल रहा था। फेज अभी क्या है ना, फेज फाइव है, ठीक है। तो देखो मैं पूरा फेज अभी आपको समझाऊंगा, सागर परिक्रमा यात्रा जो है वो किसके थ्रू, तो ये जो है ना यूनियन मिनिस्टर है, किस कौन से यूनियन मिनिस्टर, फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक, कौन है, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, उनके थ्रू अभी क्या है सागर परिक्रमा इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। देखो इसमें लॉन्च करने की ये क्या थे, पहले तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते, ये फेज वाइज लॉन्च किया था। पहले फेज में जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये बोला गया था जर्नी लोग जो जो जर्नी कवर किया था उस समय में गुजरात का था, उस समय में जैसे गुजरात का मंडावी था, ओखा का, द्वारका था एंड पोरबंदर, ठीक है। गुजरात का ये जैसे गुजरात हो गया, गुजरात में मतलब मंडावी, ओखा का, द्वारका एंड पोरबंदर, ये पहला पहले जर्नी जो पहला स्टार्ट हुआ ये पहले फेज में कवर किया गया। दूसरे फेज में जो कवर किया गया फिर अलग से सात लोकेशन को कवर किया गया, सात लोकेशन में कवर किया गया जैसे मंगरोई था, वेराल था, दीव था, जाफरावर था, सूरत था, दमन था एंड वलसाद था, ये टोटल सात थे। फिर ऐसे तीसरे फेज में भी क्या हुआ, तीसरे फेज में क्या था, कोस्टल एरिया को जैसे नॉर्दर्न कोस्टल एरिया था, नॉर्थ का जैसे मतलब नॉर्दर्न जो कोस्टल एरिया था उस चीज से रिलेटेड बोला गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया जिसमें क्या सतपाई हो गया, वासी हो गया, वर्सोवा हो गया, न्यू फेरारी वॉल्फ वर्फ हो गया एंड जैसे मतलब जो मतलब मुंबई, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मुंबई से रिलेटेड यहाँ पे बात की, उस उनको यहाँ पे कवर किया गया था फेज वाइज में कवर हुआ था। फेज वाइज का मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे फर्स्ट फेज में ये कवर किया गया, सेकंड फेज में गुजरात के कुछ और पार्ट नीचे, फिर थर्ड में नॉर्थ जो नॉर्थ जो मतलब कहते हैं नॉर्दर्न महाराष्ट्र की बात की जा रही है। फिर अगर हम फोर्थ फेज में चलते तो फोर्थ फेज में क्या रहा, उदयपाई उदयपाई एंड दक्षिण दक्षिणा कनाडा डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका मतलब धीरे धीरे नीचे की ओर, मतलब हम लोग धीरे धीरे जो है ना इसके बाद ये नीचे की ओर हम लोग आना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर फिफ्थ फेज में जब हम आए तो फिफ्थ में बोला गया क्या, जो फिफ्थ फेज में सागर परिक्रमा जो कवर किया, छह लोकेशन को इन लोगों ने कवर किया। देखो तो छह लोकेशन का जो कवर किया उसमें क्या था, राइड था, रत्नागिरी था, सिंधूर डिस्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र का, वासो था, मऊगुड़ा था एंड जो कैनकोना, एक तरीके से कैन एक कैन कैना कोना गोवा का ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इनको ये लोग कवर किया। तो ये फेज वाइज में कवर करे, देखो इसका कवर करने का मेन मकसद क्या था पहले ये समझना, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये था, एक तरीके से रुक जाओ, वन मिनट में बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये था कि ऑब्जेक्टिव आपको ये देखना था, जैसे मतलब फिश वगैरह जो है ना ये टोटली यहाँ पे क्या ना कवर करे, जैसे मतलब सी वगैरह से रिलेटेड जो कोस्टल एरिया के यहाँ पे सॉलिडिटी वगैरह ये सारा चीज यहाँ पे बात किया, जैसे मतलब क्या ना बोला गया 75 आजादी का जो मतलब अमृत महोत्सव था उसमें ये लोग क्या करते, एक तरीके जो फिशेज वगैरह जो स्टेक होल्डर जैसे मतलब स्टेक होल्डर वगैरह जो कोई भी फिशरीज वगैरह थे उनके जो प्रॉब्लम थे उसको रिजोल्व करने की यहाँ पे बात की जा रही थी, ठीक है। और उनको क्या ना जैसे मतलब इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट देने की फैसिलिटी वगैरह जो हो गया या फिशरी स्कीम वगैरह जो प्रोग्राम हो गया, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड बात हो रहा था, मतलब एक तरीके से ये था ना कि आपको जो मेराइन जैसे आप फोकस क्या था, सस्टेनेबल बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, जो यूटिलाइजेशन जो मेराइन फिशरी हो गया उसका रिसोर्सेज, जो फूड सिक्योरिटी जैसे नेशनल लाइवलीहुड हो गया, जो कोस्टल कम्युनिटी से रिलेटेड जो बात था ना उसकी बारे में यहाँ पे बात। इसका मेन मकसद ये था कि जो फिश वगैरह से रिलेटेड जो काम करे उसको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज मतलब क्या चीज, कैसे उसके बाद पोटेंशियल जो फिशरी का वो कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते, पोटेंशियल इनहेंस कर सकते प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, क्या क्या नए टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह वहां पे क्या कर सकते वो लोग यूज कर सकते हैं, ये चीज वहां पे बात की जा रही थी। तो
जैसे कि मतलब एक तरीके, अभी मैंने बोला क्या, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मैंने अभी आपको एक चीज बताया, ठीक है। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या आत्मनिर्भर भारत के तहत, ये पैकेज के तहत इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था, इसमें ये बोला गया था जो फिशरी वगैरह, जो फिशरमैन वगैरह, उसको एक तरीके से इंश्योरेंस एज वेल एज कहना फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई थी, ठीक है। इसको कहना फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे फैसिलिटी हो, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे इसको भी, इन लोगों को भी कुछ फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने दो पार्ट में, मतलब एक तरीके से अम्ब्रेला स्कीम है, जो दो पार्ट में सेपरेट हुआ था, दो पार्ट में सेपरेट कंपोनेंट था। पहला क्या था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरा क्या था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो इसमें सीधी सी बात ये बोले गई थी कि आपको मतलब लाया गया, तो इसमें ये कहने का मतलब, जैसे कैसे मतलब, जैसे डबल किया जाए फिशरमैन का जो इनकम हो गया, या उसके जो मतलब फिशिंग वगैरह के जो जनरेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट, फिशिंग में भी क्या ना, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सके, मतलब हमें सोशली हो गया, फिजिकली हो गया, या इकोनॉमिकली सिक्योरिटी, जैसे फिशर एंड फिश फार्मर्स को कैसे हमको वहां पे देना है, जिसे मतलब उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके जो मैनेजमेंट मॉडर्नाइजेशन, जैसे इम्प्रूवमेंट, जैसे पहले और अब के बीच में क्या एक तरीके से होता है ना, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उन चीज सब से भी चीज से रिलेटेड यहाँ पे ये बात किया जा रहा था, ठीक है। तो देखो ये छोटा सा मतलब एक तरीके से फिशरमैन साहब से पूछ ले कि ये फेज में कैसे कैसे किसने इसको ये व्हाट डू मीन बाय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, ये पीआईबी का टॉपिक जो मैंने कवर किया है, और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको इससे कोई इशू है, अगर आपको यहाँ लगे कोई इशू है, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आना, और या बताना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी चाहता था और क्वेश्चन वहाँ पे अभी मैं डाल सकता था, लेकिन मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि आधे घंटे या 1.5 45 मिनट का लेक्चर बने, लेकिन आपको कहना पूरा कंसेप्ट जो मैंने बताया वो समझ आना चाहिए। 7 से 8 क्वेश्चन हो गया उससे रिलेटेड, इसके बाद एक क्या हो गया आपका यहाँ पे पीआईबी से रिलेटेड एक न्यूज हो गया, फिर बीच बीच में मैं करंट का न्यूज डाल ही रहा हूँ हर एक टॉपिक में। तो ये सारा का सारा आपके लिए एक कॉम्बिनेशन का फॉर्म है, जब आप पेपर में बैठो तो आपके माइंड में ये रिकॉल होता रहे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो मैं अभी एक सीरीज लेके आया हूँ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, वो आपको अच्छा लग रहा होगा। टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वॉच करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर उन लोगों के साथ भी करें जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि पैसा दे के टेस्ट सीरीज लेना, तो उसके लिए ये 1 एंड 1 तो बेस्ट सॉल्यूशन है आपको क्वेश्चन रिवीजन करने का, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर हमको आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।